चीन की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। एलएसी पर तैनात जवानों को बेहद अत्याधुनिक राइफल दी जाएगी। इस समय भारतीय जवान भारतीय स्मॉल आर्म्स सिस्टम राइफलों का इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका से मंगवाई गई सिग सोर असोल्ट राइफल्स आतंकरोधी अभियानों में लगे हुए सुरक्षा बलों को दी जाएंगी। अब भारत की तरफ से इन राइफल्स का नया ऑर्डर दिया गया है। ये राइफल अब पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ मोर्चे पर तैनात सैनिकों को दी जाएंगी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा आयोजित रक्षा अधिग्रहण परिषद में दूसरी बार अमेरिका से 72,500 सिग सोर असोल्ट राइफल्स के सौदे की मंजूरी दी। सूत्रों की माने तो सिग सोर असोल्ट राइफल्स का पहला लोट जम्मू कश्मीर में आतंक विरोधी ऑपरेशनों में लगे सैन्य कर्मियों को दिया गया था। अब ये राइफल्स चीन के साथ लगी सीमा पर तैनात सेना के जवानों को उपलब्ध करवाई जाएंगी। ऐसी आधुनिक राइफल मंगवाने के पीछे सरकार की मंशा यह है कि दुश्मन का मुकाबला करने के लिए जवानों को सर्वोत्तम हथियार उपलब्ध करवाए जाए। इस समय भारतीय जवान भारतीय स्मॉल आर्म्स सिस्टम राइफलों का इस्तेमाल करते हैं। नई सिग सोर असोल्ट राइफल्स इन राइफलों की जगह लगे। यहां आपको बता दें कि इसोन्स राइफल्स भारत में ही आयुध कारखाने बोर्ड द्वारा बनाई जाती हैं। योजना के अनुसार आतंकवाद निरोधी अभियानों, नियंत्रण रेखा और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चुनौतियों का सामना करने के लिए सैनिकों द्वारा 1.5 लाख आयातित राइफलों का उपयोग किया जाना था। भारतीय सेना पिछले कई सालों से अपने इंसोस असोल्ट राइफलों को बदलने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसी ना किसी वजह से उनकी यह कोशिश अंजाम तक नहीं पहुंच पा रही। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने इन तोपों की कमी को दूर करने के लिए इजराइल से 16,000 लाइट मशीन गन का ऑर्डर दिया। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।